सिंबल ऑफ नॉलेज सिनेमा और आर्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में करीब 450 फिल्में एवं लघु फिल्में तथा वेब फिल्मों का करवा शुरू हुआ, जिसमें 100 से अधिक फिल्मों का चयन हुआ। SKIFF द्वारा कलाकारों, निर्माता, निर्देशकों को पुरस्कार वितरण कर यहाँ सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कल्पना सरोज, आशा अरुण गौली, अभिनेता राजेश पुरी, सुनील पाल, निर्माता निर्देशक दीपक सावंत जैसे मान्यवरों का भी सम्मान किया गया। सीन बॉक्स प्राइम एसोसिएट के साथ शिवाय फिल्म के सहयोग से सिंबल ऑफ नॉलेज सिनेमा और आर्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यह भव्य कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। बहुत माइंड है और अच्छे से उनका जो पीछे और जो मन से लोगों को उनके काम के बारे में उनको बोलते ना सम्मानित किया, तो कितनी बड़ी बात है। उनका पढ़ाई अच्छा है और अच्छे बाबा जी बाबा साहेब के बारे में इतना यानी नॉलेज है। ये नॉलेज सबको चाहिए, क्यों चाहिए? तो हम दूसरे का दुख है या क्या करना है हमको, हमारा फ़र्ज़ क्या है, वो हम जान पाते हैं। बहुत कम होते हैं और मैं भी एक निर्माता हूँ, 4 फिल्में बना चुका हूँ, 5 ही फिल्म हमारी गाली गलौच जिसकी शूटिंग चल रही है। गाली गलौच ऐसी फिल्म है जैसे गजनी, फिल्म का टाइटल गजनी था, फिल्म में विलन गजनी था, जैसे गाली गलौच जो है वो फिल्म में गाली गलौच विलन है। हमें अगेंस्ट गाली गलौच स्टोरी बनानी है, फिल्म बनानी है जिसमें कॉमेडी के साथ साथ हम समाज में होने वाले, सोशल मीडिया पर होने वाले गाली गलौच का एक क्रूर रूप जो है वो सामने लाएंगे। अच्छा, और मुझे इसके लिए अवार्ड मिला, मुझे बहुत शुक्रिया। जी के बारे में क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज किया इस ये तो मोरे जी, तो इनके नाम में ही मोरे मतलब मोर, और मोर का मतलब होता है ज़्यादा आगे, ज़्यादा ही ज़्यादा। तो ये कभी रुकने वाले नहीं है, हमेशा ही आगे बढ़ेंगे। और खासकर वो आदमी जो दूसरों को सम्मान देना जानता है, अवार्ड देना जानता है, वो पूरा उसको भी सम्मान देता है, उसको भी अवार्ड देता है। वो एक अवार्ड देता है तो वो 100 देता है। विक्रांत मोरे जी ने ये अवार्ड का फंक्शन रखा है, हमें बोला कि उन्होंने बहुत गौरव किया है। हम सामाजिक इसमें काम करते हैं, व्यापारी एसोसिएशन रहो या कुछ भी रहो, सामाजिक इसमें काम करते हैं। उन्होंने जो अंबेडकर बाबा साहेब अंबेडकर के ऊपर जो इतना सब बताया, मैं भी एक जैन समाज से हूँ, मैं कभी जात धर्म कोई नहीं पालता हूँ और मैं भी अंबेडकर का अनुयायी हूँ। ऐसे सामाजिक कार्यक्रम हमारे विक्रांत जी मोरे लेते हैं, बहुत जगह उनके कार्यक्रम में मैं जा चुका हूँ, अच्छी अच्छी जगह उन्होंने ऐसे कार्यक्रम लिए। उनकी समाज सेवा और क्या देखना है, उनके बारे में कितना बोले तो कम लगता है। ऐसे हमारे विक्रांत जी मोरे इन्होंने आज एक प्रोग्राम रखा, हमारी सबकी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। शिवाय फिल्म एंड एंटरटेनमेंट की शुरुआत है और हम इसमें, हाँ, हम इसलिए आए हैं कि इस शिवाय फिल्म के द्वारा अभी हम एक नई पिक्चर लॉन्च कर रहे हैं जिसके डायरेक्टर है राजेश जी गाड़े सर, और उस फिल्म का नाम है रानी रुद्रावती, एक अनसुनी पहेली। इसके अंदर हम बहुत अच्छा आज समाज को मार्गदर्शन एवं योगदान देना चाहते हैं कि जिससे हमारे देश में एक अच्छी, सभी को प्रेरणा मिले, देश का नाम रोशन हो। वो भी हमें काफ़ी योगदान दे रहे हैं, राजेश जी, अनिल जी, अजय सर, इन सबका हमें बहुत बहुत योगदान। हाँ, और हमारे सर, हाँ, मोरे साहब भी, इनका और सभी टीम का मैं तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। सिनेबॉक्स प्राइम जो है ये एक फैमिली फिल्म, फैमिली वेब सीरीज़, फैमिली ड्रामा, इन सब कंसेप्ट पे बेसिकली काम करता है। और इस OTT प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत अच्छी अच्छी वेब सीरीज़ मिलेंगी, हर जॉनर की मिलेंगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आजकल OTTs वगैरह में थोड़ा सा बोल्ड कंटेंट ज़्यादा चल रहा है, बट सिनेबॉक्स में ऐसे बिल्कुल कंटेंट नहीं है, साफ़ सुथरा कंटेंट है। और 40 से ज़्यादा वेब सीरीज़ अभी तक रिलीज़ हो चुकी हैं और ये कम्प्लीटली फ्री है, तो आप लोग जाके वहाँ डाउनलोड करके प्ले स्टोर से सिनेबॉक्स प्राइम देख सकते हैं इजीली। ये जो मेरा प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि आज का जो युवा है जिनके अंदर टैलेंट है, वो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा एफर्ट ले रहे हैं, और उसका जो रिटर्न्स है ना, वो रिटर्न्स बहुत कम मिल रहा है युवाओं को। और जो निकम्मे लोग हैं, जो हरामखोर लोग हैं, जिनको एक कौड़ी की अक्ल नहीं है, जिनका उद्देश्य सिर्फ यही है सिर्फ पैसा कमाना, वो लोग के पास आज पोस्ट है और जो उनको जो पावर मिली है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर पावर गलत लोगों के हाथ में है। ये पावर सही लोगों के हाथ में आना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे देश का जो युवा है, वो हमारी देश की जो पीढ़ी है, वो सही रास्ते पर जाए, एजुकेशन उनको मिले। बहुत सारे लोग हैं जो अपने गाँव खेड़ा छोड़ के यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं, घंटों घंटों, साल साल, पूरा दिन दिन भर बैठे रहते हैं 1000, 800, 1200 रुपये कमाने के लिए। तो मुझे लगता है कि
हमारी सही जगह पे पावर होनी चाहिए, इसलिए हमारा एक प्रयास है इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से हम एक रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं ताकि ये प्रॉब्लम्स लोगों तक पहुँचाई जाए। मेरा नाम सपन कृष्ण है, मैं एक्टर हूँ जो कि अभी जस्ट मथारी वेब सीरीज़ जो आपने देखी जिसके ट्रेलर उसका मैं लीड हूँ। ये एक्चुअली आरवी सीरीज़ के द्वारा प्रोड्यूस्ड है और इसके जो डायरेक्टर हैं नील पांडे हैं और राइटर हैं सोम। और ये बहुत ही अच्छी मतलब वेब सीरीज़ जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक गरीब तबके का लोग जो होता है कितने चीज़ें उन्हें मतलब यू नो कितने चीज़ें से गुजरना पड़ता है, कितने गरीबी देखनी पड़ती है और वो बिल्डिंग्स बनाते हैं पर वो ख्वाब बड़े बड़े सपने होते हैं पर कुछ कर नहीं पाते। तो ये बहुत ही अगर आप देखें तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह ही अगर देखा जाए तो कहानी का कुछ सार है कि हाँ गरीब लोग कैसे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर बाद में कुछ गलत कदम भी उठाते हैं। इट्स लाइक ऑल अबाउट। शुक्रिया अदा करता हूँ सिनेबॉक्स प्राइम शिवाय फिल्म्स को जिन्होंने वेब सीरीज कैटेगरी में मुझे चुना बेस्ट एक्टर के लिए मेरी फिल्म कल्पना के लिए। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़रूर देखें कल्पना, बहुत प्यारी मीठी सी फिल्म है, एक इंटेलेक्चुअल कहानी एक राइटर्स ब्लॉक के ऊपर बनी हुई है। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने को आर्टिस्ट स्नेहल रेड्डी, शिबा खान और मेरे राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनिल नायर जी का। अनिल नायर जी ने US से डायरेक्शन का कोर्स किया है, ये उनकी पहली फिल्म है लेकिन बहुत ही अच्छी फिल्म है, MX पर अवेलेबल है, जल्दी सिनेबॉक्स प्राइम पर भी अवेलेबल होगी। थैंक यू। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम था, बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रम और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा होता रहे और नए एक्टर्स नए प्रोड्यूसर्स नए जो भी कलाकार हैं आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोशन मिलता रहे, उन्हें आप लोग प्रमोट करते रहे, शुक्रिया। हाँ, ये जो अवार्ड मिला है मुझे, ये हमने एक शॉर्ट फिल्म की थी उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और बेसिकली फेस्टिवल्स होते हैं, फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं या इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं उसके लिए आई सी टू इट कि मैं वो अटेंड करूं क्योंकि बहुत कुछ देखने सीखने को मिलता है। और आज भी जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में इतनी नॉलेज आज मुझे मिली है जो शायद मुझे काफ़ी बातें पता नहीं थी, और उनके लिए जो रिस्पेक्ट जितनी थी पहले उससे भी ज़्यादा हो गई है। क्योंकि हम लोग क्या है कि इतनी दौड़ भाग में रहते हैं कि हमको जो सेक्रीफाइसेस लोगों ने किए हैं या जो कंट्रीब्यूशन हमारे सोसाइटी के लिए किया है उसकी अवेयरनेस बहुत कम होती है। तो ऐसे फंक्शंस अटेंड करके उसमें एक नॉलेज में बढ़ावा आता है और हमारी एक जो IQs जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये अवार्ड जो मुझे मिला है, बहुत अवार्ड्स मिलते हैं लेकिन ये अवार्ड भी मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि बेस्ट एक्टर का अवार्ड है। आज का जो ये फेस्टिवल है जो विक्रांत मोरे ने जो रखा है वाकई अपने आप में बहुत अच्छा है और इस तरह के फेस्टिवल मतलब होने चाहिए जिसकी वजह से लोगों तक जो सामाजिक मुद्दे हैं उसके ऊपर मतलब विचार विमर्श हो। और जो वहाँ उनके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो आए थे जिन्होंने वो सामाजिक मुद्दे के ऊपर जो पिक्चर बनती है उसकी जो बातें की है, वाकई में इस तरह की चीज़ें जो है वो हमारे समाज में होनी चाहिए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि विक्रांत की भी कुछ पिक्चर आ रही है छोटे बच्चों के ऊपर, उसने जो पिक्चर बनाई हुई है तो वो भी वाकई बहुत अच्छी पिक्चर है क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं ना वो एक मिट्टी के इसके तरह होते हैं, जैसे घड़ा बन जाता है तो कुमार जो घड़ा बनाता है मिट्टी के इससे, तो उसी तरह से बच्चा है, बच्चे का मन जो है वो उसी तरह से है, जिस तरह से हम उसके ऊपर संस्कार डालेंगे जिस तरह की सोच उसके अंदर डालेंगे वो बच्चा भी उसी तरह से बनेगा। तो इस सोच को लेकर जो विक्रांत ने पिक्चर अभी वो कुछ कर रहा है तो वो मुझे वाकई में बहुत अच्छी लगी।